मेरे दो दोस्त हैं सुनील और सूरज। दोनों ही गवर्नमेंट जॉब करते हैं। दोनों ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने को इंटरेस्टेड हैं। दोनों को ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने का एक सेफ तरीका लगता है। लेकिन मैं अपने व्यूअर को बताना चाहूँगा कि अगर दोनों ही सेम म्यूचुअल फंड स्कीम में सेम अमाउंट सेम टाइम पर इन्वेस्ट करते हैं, तब भी लॉन्ग टाइम में इनके रिटर्न काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। मान लीजिए मेरा एक दोस्त है सुनील, यह हर महीने 2000 रुपये सेव करता है और उन्हें म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर देता है और इससे उसे लॉन्ग टाइम में 15 से 20% एवरेज रिटर्न मिल जाते हैं। और वहीं दूसरा दोस्त है सूरज, यह भी हर महीने 2000 रुपये सेव करता है और इसी म्यूचुअल फंड में जिसने सुनील ने इन्वेस्ट किया है 1000 रुपये की SIP स्टार्ट कर देता है और 1000 रुपये अपने पास रखता है और वेट करता है कि जब मार्केट डाउन जाएगा तब मैं अपने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ा दूंगा। अब दोनों की स्ट्रेटेजी में अंतर सिर्फ इतना है कि सुनील की 2000 रुपये की SIP चल रही है, वहीं सूरज 1000 रुपये बचा के रख रहा है और 1000 रुपये की उसकी रेगुलर SIP चल रही है और जब जब मार्केट डाउन जाता है तब वह SIP का अमाउंट बढ़ा देता है। तो इससे उसको लॉन्ग टाइम में बेनिफिट ये मिलेगा कि 1000 रुपये की SIP तो उसकी रेगुलर चल रही थी, मतलब मार्केट अप था तब भी और जब मार्केट डाउन था तब भी, लेकिन बाकी का जो 1000 रुपये उसका बचा था वो उसने तब इन्वेस्ट किया था जब मार्केट सबसे ज्यादा डाउन था। तो ऐसा करने से सूरज को सुनील से 2x रिटर्न मिल सकते हैं, मतलब सुनील की रेगुलर SIP 2000 रुपये की चल रही है तो लॉन्ग टाइम में इसको 15 से 20% रिटर्न मिल जाएंगे और वहीं सूरज ने जब मार्केट में डिप था तब उसने अपना अमाउंट बढ़ाया था तो इसीलिए इसको लॉन्ग टाइम में 30 से लेकर 40% तक के रिटर्न मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सेम म्यूचुअल फंड में सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है लेकिन दोनों की स्ट्रेटेजी में थोड़ा अंतर है और यही थोड़ा अंतर लॉन्ग टाइम में एक बड़े अंतर में चेंज हो जाएगा क्योंकि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट लॉन्ग टाइम में आपके इन्वेस्टमेंट पर बहुत पड़ता है और म्यूचुअल फंड पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।